इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। एम्बेसडर अशरफ जहांगीर काजी साहब, बड़े अरसे के बाद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पाकिस्तानी कौम के नाम खत आया, पैगाम आया, और बुनियादी तौर पे पैगाम वजीर आजम इमरान खान के नाम था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की हुकूमत को यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद दी, नई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि एक ऐसा माहौल जो टेरर फ्री हो। आप कैसे समझते हैं ये नेक ख्वाहिशात का पैगाम नरेंद्र मोदी का, आगे इससे मजीद कोई बड़ी तब्दीली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी, नाजरीन को सलाम और आप सबको बतौर खास आपने मुझे मधु किया आपके अपने प्रोग्राम में। तो ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर बहाल हुआ है, ये बताते खुद अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। इसी तरह ये दूसरे अकदाम जिसका आपने जिक्र किया है, बशमूल मोदी साहब के मैसेजेस, ये बताते खुद तो यानी कि वेलकम चीज़ें हैं। इसकी हमें ये खुशाइंद भी एक हद तक ये हो सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के माबैन पहले भी बहुत सारे गुफ्तगू और डायलॉग्स हुए हैं जो बिल आखिर नाकाम रहे, और वो इसलिए रहे क्योंकि हिंदुस्तान का एक है कोर इशू, वो ये कहते हैं कि कोर इशू उनका, उनके कहने के मुताबिक वो ये है कि पाकिस्तान की तरफ से दहशत गर्दी हमारे खिलाफ हो रही है और LOC को वायलेट किया जा रहा है वगैरह वगैरह। तो LOC का तो सीज फायर अपनी जगह बहुत अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान का जो कोर इशू वो कश्मीर पर है कि कश्मीर के, और बतौर खास अगस्त 5, 2019 के बाद जो सूरत हाल वहाँ बना है और अब तक चल रहा है, जिसके बारे में जेनोसाइड वॉच ने एक अलर्ट पे इशू किया कि वहाँ जेनोसाइड के जो इंडिकेशंस हैं वो बहुत सारे हैं, और ये जेनोसाइड अलर्ट उन्होंने इशू किया वहाँ मकबूजा कश्मीर के हवाले से। तो वो है हमारा कोर इशू, और उस पे बेहतरी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इन मुज़ाकरात को जारी रखने के लिए, रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए ही बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे जो कंसर्न्स हैं और हिंदुस्तान के जो कंसर्न्स हैं दोनों बयक वक्त एड्रेस हों। ये नहीं कि ये तासुर हमें मिले कि एक मुल्क के जो कंसर्न्स है वो तो एड्रेस किया है और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और COAS साहब ने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में बहुत वाज़े अंदाज में ये इसका तासुर दिया कि पाकिस्तान तैयार है हिंदुस्तान के जितने भी कंसर्न्स है उसको एड्रेस करने के लिए, क्योंकि हम आगे की तरफ देखना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से कश्मीर के हवाले से कुछ भी नहीं आया। तो हम जानते हैं माजी से कि अगर कश्मीर के बारे में कोई मुफीद या कोई यानी कि क्या उसे कहें ये डायलॉग ऐसा ना हो जिसकी कोई आउटकम ना हो, तो फिर वो डायलॉग चल नहीं सकेगा, वो बिल आखिर खत्म हो जाता है और बड़ी बदमजगी हो जाती है, फिर इंसिडेंट्स हो जाते हैं और फिर हम वापस चले जाते हैं जीरो की तरफ। रजा रूमी साहब जिस तरह एम्बेसडर अशरफ साहब ने कहा कि हिंदुस्तान की तरफ से किसी किस्म की कोई तब्दीली का कश्मीर में इशारा नहीं मिला, तो क्या हम समझते हैं ये अभी जितने इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कहीं कश्मीर के मामले के ऊपर हम खामोशी तो नहीं इख्तियार कर लेंगे, कहीं कोई किसी किस्म के समझौते का खदशा तो नहीं है? शुक्रिया। सबसे पहले मजीद साहब, मेरे ख्याल से जहां तक समझौते का और खामोशी का ताल्लुक है वो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के जो अवाम है और कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पावर क्वार्टर जो है पाकिस्तान में, ये रिस्क नहीं ले सकता कि वो
कश्मीर का और कश्मीरियों का साथ छोड़ दे, क्योंकि ये एक पाकिस्तान की एक तो लीगल और डिप्लोमेटिक पोजीशन तो है ही, लेकिन एक इमोशनल बॉन्ड भी है पाकिस्तानियों का कश्मीरियों के साथ। इसलिए ये बात जो है बिल्कुल मुज़ाकरात में आएगी। लेकिन पहली बात जो अच्छी डेवलपमेंट ये है कि कुछ आइस ब्रेक हुई है, जो कि बड़ी देर से हमारे दो तरफा ताल्लुकात जो थे वो मुंजमित थे, और जनरल बाजवा साहब की जो तकरीर थी उसके बाद से जो इंडियन वहां से भी कुछ रिस्पॉन्स आया मोदी के लेटर की सूरत में, तो उससे कम अज कम ये राह खुली है कि दोबारा से बायलैटरल डायलॉग शुरू हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि ये दो ममालिक का दो पड़ोसी जो है ये आपस में नॉर्मल सिफारती ताल्लुकात भी नहीं रखते। तो इसलिए पहला स्टेप तो ये अचीव हो जाएगा। अब आगे जाहिरी बात है बड़े चैलेंजिंग मसाइल हैं। एक तरफ कश्मीर का भी मसला है, जो कुछ किया उन्होंने अगस्त 5 को आर्टिकल 370 के हवाले से और जम्मू और कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म करने के हवाले से, फिर और हमारे बड़े बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं। पानी का एक मसला ऑन गोइंग है, और उसके साथ जो इंडियन एलिगेशन होती हैं टेररिज्म के ऊपर, और हमारी जो कंसर्न है इंडिया की जो उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की बलूचिस्तान और बलूच सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करने की, वो सारे इशू के डायलॉग पर आने चाहिए मेज पर। जाहिर बात है कि ये आपका खदशा जो है ये और भी बहुत सारे पाकिस्तानियों का खदशा है इस वक्त, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और जनरल बाजवा दोनों ये चीज जो है इग्नोर नहीं करेंगे और ना ही कर सकते हैं। जी जनरल नईम खालिद लोधी साहब, यकीनी तौर पे ताल्लुकात में बेहतरी, फौजी कशीदगी में कमी, इसे यकीनी तौर पे हम खुशाइंद कह सकते हैं, लेकिन सारे इनिशिएटिव आर्मी चीफ ले रहे हैं और इस तमाम तर इनिशिएटिव्स के ऊपर दफ्तर खारजा में मुकम्मल खामोशी है, ना इकरार ना इनकार। इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग से खिताब करते हैं तो आर्मी चीफ करते हैं, प्रपोजल्स देते हैं तो वो देते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि सिविल मिलिट्री लीडरशिप इस इनिशिएटिव के ऊपर एक पेज पे है? मुझे तो ऐसे लगता है कि एक पेज पर है, और मेरा ख्याल है कि जो नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग पर पहले वजीर आजम ने तकरीर की थी और तो गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है गर्द, मैं आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पर डिस्कस कर रहा था भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो पाकिस्तानी मीडिया में एक लेटर भेजा है पाकिस्तान डे पर, और उससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए कोरोना पॉजिटिव हुए थे उसके लिए जो वेल विशेस ट्वीट किया था उसके बारे में। तो आपको बता दें पाकिस्तानी मीडिया भारत से रिश्ते को लेकर इतना बेताब रहता है, लेकिन अब वो डरता भी है। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते पिछले 70 साल में जैसे भी रहे हैं उसके बारे में मैं अगर आपको बताऊंगा तो डेफिनेटली ये बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आप अगर ऐसी चीज़ फॉलो करते हैं तो आपको सब कुछ पता है कैसे क्या होता है। तो दोस्तों भारत पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से इतने ख़राब रहे कि उसके बारे में अब कुछ बोलना मतलब ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर होगा। आपको पता है कि लास्टली जो बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिव हुए थे पुलवामा अटैक के बाद, और उसके बाद उसके पहले भी ऐसे कई बार मौके आए हैं जब भारत पाकिस्तान के रिश्ते ख़राब रहे हैं, लेकिन अब फिर से एक बार ऐसा हुआ है कि दोनों देशों के बीच कुछ एक्टिविटी हो रही है, पॉजिटिव एक्टिविटी, जिसको लेकर मतलब ऐसी बातें की जा रही हैं कि कुछ पॉजिटिव साइन आ रहे हैं और दोनों देश चाहते हैं पीस। तो दोस्तों ये मतलब अब दोनों देशों के बीच कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिससे लग रहा है कि दोनों देश चाहते हैं पीस। आपको बता दें इमरान खान ने भी मोदी के ख़िलाफ़ ऐसी घटिया लैंग्वेज यूज़ की थी, जैसे कि मान लो वो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं कोई गली का गुंडा हो, लेकिन अब वो भी धीरे धीरे रास्ते मतलब सही लाइन में आ रहा है, तो अब ऐसा लगता है कि कुछ पॉजिटिव होंगे। आपको पता है कि इसके पीछे लोग वजह बता रहे हैं US और दूसरी वजह बता रहे हैं UAE। हालांकि UAE एक छोटा देश है, बेसिकली इसके पीछे वजह हो सकती है तो वो US ही हो सकती है। US आप समझ सकते हैं एक बड़ा देश है, बड़ा देश मतलब ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ कर सकता है कि दोनों देश शांति रखें और मतलब फिर से वो जो पुरानी एक्टिविटीज़ थी वो चालू करें।
तो आपको क्या लगता है दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच पुरानी एक्टिविटीज़ चालू होना चाहिए या नहीं चाहिए, या जैसे रिश्ते चल रहे हैं वैसे चलना चाहिए? क्योंकि आपको भी पता है कि दोनों देश एक दूसरे से कब तक इस तरीके के, मतलब इस तरीके का व्यवहार रखेंगे। कभी ना कभी तो शांति की पहल करनी ही पड़ेगी। अगर आप वॉर भी लड़ते हैं तो वॉर भी एक दिन अगर आपको आखिरी में तो टेबल पर बैठना ही पड़ता है। तो आपके क्या रिएक्शन है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लेटर लिखा और इसके बाद एक पॉजिटिव साइन ये भी है कि बंगाल इलेक्शन में कहीं पर भी पाकिस्तान का नाम यूज़ नहीं किया गया है। तो डेफिनेटली अब मतलब भारत का एक है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहते हैं कि पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे किए जाएँ। लेकिन आपको भी पता है कि पाकिस्तान की एक आदत है धोखा, धोखा पाकिस्तान के खून में है। और इन्होंने धोखा मतलब हमें एक बार नहीं कई बार दिया है। तो अब पता नहीं इस बार क्या होता है, फिर से धोखा मिलता है या इसी तरीके की चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कॉमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। जय हिंद।